आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। गणेश जी का पूजन अर्चन भारत गणराज्य में सभी प्रांतों, सभी शहरों, कस्बों आदि में किया जाता है। संपूर्ण भारत में भगवान श्री गणेश जी पूजनीय और प्रार्थनीय माने गए हैं। इसके अलावा विश्व भर में बुद्धि विनायक भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। मध्य एशिया, चीन, जापान और मैक्सिको में हुई एक खुदाई में भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं पाई गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा का प्रचलन कितना व्यापक था। इसके अलावा कंबोडिया, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, तिब्बत आदि भारतीय उपमहाद्वीप के राष्ट्रों में भी गणेश पूजा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। माना जाता है कि हिंदू धर्म में उपासना के अनेक मार्ग है, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त आदि। इनमें भगवान श्री गणेश की उपासना करने वालों को गणपत्य कहते हैं। ये लोग गणेश पंचायतन की उपासना करते हैं। इनके उपासक दक्षिण में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में मिलते हैं। श्रीमंत पेशवा सरकार गणेश की उपासक थी। उनके शासनकाल में गणेशोत्सव बड़े ही राजकीय ठाटबाट से मनाया जाता था। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। जानकार विद्वानों की माने तो वर्तमान में दुनिया पर बादशाहत करने वाले अमेरिका की खोज करने वाले कोलंबस से पूर्व ही वहां सूर्य भगवान, चंद्र देव तथा भगवान श्री गणेश की मूर्तियां पहुंच गई थीं। विश्व के कई देश ऐसे भी है जहां खुदाई के दौरान भारतीय देवताओं की मूर्तियां मिली है, लेकिन विशेषता यह रही है कि इनमें गणेश जी हर जगह विद्यमान थे। ये मूर्तियां हजारों वर्ष पूर्व की होने का अनुमान लगाया गया है। जानकार विद्वानों के अनुसार पश्चिम में रोमन देवता जेनस को गणपति के समकक्ष माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब भी इतालवी व रोमन पूजा अर्चना करते थे तो वे अपने इष्ट जेनस का नाम लेते थे। 18वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रकांड विद्वान विलियम जोन्स ने जेनस व गणेश की पारस्परिक तुलना करते हुए माना है कि गणेश जी में जो विशेषताएं पाई गई है वे सभी जेनस में भी है। रोमन व संस्कृत शब्दों में जेनस और गणेश के उच्चारण में भी समानता पाई जाती है। जापान में गणेश को कातिगेन नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर बनी गणेश जी की मूर्तियों में दो या चार हाथ दिखाए गए हैं। सन 804 ईस्वी में जब जापान का कोबो दाइशी धर्म की खोज करने हेतु चीन गया तो उसे वहाँ वज्रबोधि और अमोध्वज नामक भारतीय आचार्य विद्वानों द्वारा मूल ग्रंथों का चीनी अनुवाद करने का मौका मिला तो चीन की मंत्र विद्या प्रणाली में गणेश जी की महिमा को भी वर्णित किया गया। सन 720 ईस्वी में चीन की राजधानी लोयांग अमोध्वज पहुँचा, जो भारतीय मूल का ब्राह्मण था, जिसे चीन के कुआंगफू मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में अमोध्वज से एक चीनी धर्मप्रायण व्यक्ति हुई कुओ ने पहले दीक्षा ली, फिर उसने कोशो दाइशी को दीक्षा दी, जिसने वहां के विभिन्न मठों से संस्कृत की पांडुलिपियां एकत्र की। वसन 806 में जब वह जापान लौटा तो वज्र धातु के महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ गणेश जी के चित्र भी साथ ले गया, जिसे सुख समृद्धि के रूप में माना गया। जापान के कोएसान संतसुजी विहार में गणेश की चार चित्रावलियां रखी गई है, जिनमें युग्म गणेश, षडभुज गणेश, चतुर्भुज गणेश तथा सुवर्ण गणेश प्रमुख है। एलिस गेटी द्वारा लिखित गणेश मोनोग्राफ ऑफ द एलिफेंट फेल्ड गॉड के अनुसार विश्व के कई देशों में गणेश प्रतिमाएं बहुत पहले से पहुंच चुकी थीं और विदेशों में पाई जाने वाली गणेश जी की प्रतिमाओं में इनके विभिन्न स्वरूप अलग अलग देखे गए हैं। जावा में गणेश की मूर्तियों में वे पालथी मारकर बैठे दिखाए गए हैं, उनके दोनों पैर जमीन पर टिके हुए हैं व उनके तलुए आपस में मिले हुए हैं। हमारे देश में गणेश जी की मूर्तियों में उनकी सूंड प्रायः बीच में दाहिनी या बाईं ओर मुड़ी हुई है, किंतु विदेशों में वह पूर्णतया सीधी सिरे से मुड़ी हुई है। तिब्बत के हरेक मठ में भी गणेश पूजन की परंपरा काफी पुरानी है। यहाँ गणपति अधीक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही तिब्बत के अनेक स्थानों में गणेश पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। चीन के तुनहुआंग में एक पहाड़ी पर गणेश मूर्तियां सन 644 ईस्वी में स्थापित की गई थीं।
गणेश की मूर्ति के नीचे चीनी भाषा में लिखा हुआ है कि ये हाथियों के अमानुष राजा है। चीन में गणपति कांतिगेन कहलाते हैं। कंबोडिया की प्राचीन राजधानी अंगारकोट में तो मूर्तियों का खजाना मिला है, उसमें भी गणेश के विभिन्न रंग रूप पाए गए हैं। श्याम देश अर्थात थाईलैंड, जहां पर बसे भारतीयों ने वैदिक धर्म को कई सौ वर्ष पूर्व ही प्रचारित कर दिया था, के कारणवश यहां पनपी धार्मिक आस्था के फलस्वरूप यहां निर्मित की गई गणेश की मूर्तियां आयुथियन शैली में दिखाई देती है। श्याम देश में वैदिक धर्म राजधर्म के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके कारण यहां आज भी धार्मिक अनुष्ठान वैदिक रीति से ही संपन्न होते हैं। अगर आप बुद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना करते हैं और अगर आप एक दंत भगवान गणेश के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश देवा लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावान माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।